और मैं हूँ आपके साथ रजनी मिश्रा, जहाँ बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं आपको और जन सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। नोखा चेयरमैन ने किया डॉन मॉस्को वर्ल्ड स्कूल का उद्घाटन। नमस्कार, खबर रोहतास से। नोखा प्रखंड अंतर्गत पाठक कम्प्लेक्स में साउथ इंडियन द्वारा संचालित डॉन मॉस्को वर्ल्ड स्कूल का उद्घाटन चेयरमैन पम्मी वर्मा व राजपुर जिला पार्षद रेशमा कुमारी के द्वारा किया गया। मौके पर विक्रमगंज के मॉडर्न चिल्ड्रन स्कूल के प्राचार्य अयूब खान, समाज सेवी विजय सेठ, पत्रकारगण, ग्रामीण जनता रहे उपस्थित। राष्ट्रीय गान के साथ कार्यक्रम का किया गया शुभारंभ। मुख्य अतिथियों एवं मीडिया पर्सन को अंग वस्त्र देकर किया गया सम्मानित। चेयरमैन के द्वारा दिव्यांग को भी अंग वस्त्र एवं जिला पार्षद रेशमा कुमारी के द्वारा भी सम्मानित किया गया। तो आइए जानते हैं कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के प्रिंसिपल प्रीति बाला, डायरेक्टर सुरंजन नायक, चेयरमैन पम्मी वर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता विजय सेठ और राजपुर की जिला पार्षद रेशमा कुमारी ने आर भारत टीवी चैनल में क्या कहा। नोखा से अरविंद कुमार के साथ अच्छा बच्चन की रिपोर्ट। करीब करीब 5 साल हो गए, इसका संझौली में भी स्कूल है, नोखा में भी आ गए, यानी हर ब्लॉक में इनका टारगेट है स्कूल खोलने का। तो संझौली से शुरुआत किए, संझौली ब्लॉक खत्म, अब नोखा ब्लॉक में आ गए, फिर विक्रमगंज ब्लॉक में जाएंगे। इसी तरह हमको लगता है हर ब्लॉक में एक स्कूल खोलने का इनका सपना है, तो बहुत अच्छी बात है। और हम लोग के साथ ये जब जुड़े तो इनको हिंदी बोलना हम लोगों ने सिखाया, नहीं तो हिंदी जानते तक नहीं थे। खैर, धीरे धीरे टूटा फूटा हिंदी बोलते हैं क्योंकि इनका इंग्लिश लैंग्वेज रहा है। नमस्कार, देख रहा है इंडिया, बोल रहा है मीडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आर भारत टीवी चैनल, मैं हूं आपके साथ अक्षय पटेल जेपी। इस वक्त मैं रोहतास जिला के नोखा में उपस्थित हूं। सभी पत्रकार भाई से अनुरोध होगा, पीछे में देख रहे हैं चलेंगे आप लोग मॉस्को वर्ल्ड और प्रमुखता से इस खबर को और यहां पर मुख्य ये दक्षिण भारत का चेयरमैन पहला स्कूल है पम्मी वर्मा और उनके साथ समाज सेवी यहाँ विजय सेठ आए हुए हैं और राजपुर के जो जिला पार्षद हैं रेशमा कुमारी वो भी यहाँ पर उपस्थित है और पत्रकार भाई भी जितने यहाँ पर हैं उपस्थित हैं नोखा, विक्रमगंज और संझौली से। और ये डॉन बॉस्को वर्ल्ड स्कूल का आज ओपनिंग हुआ है। डॉन बॉस्को वर्ल्ड स्कूल के मतलब वर्ल्ड में आप कहीं भी इस स्कूल से शिक्षा लेकर के बातें कर सकते हैं और ये एक शिक्षा के आधार है जो कि नोखा के धरती पर पहली बार कदम रखा है डॉन बॉस्को वर्ल्ड स्कूल। तो विशेष यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे जितने भी डॉन बॉस्को स्कूल के प्रांगण में आए हुए हैं मुख्य अतिथि के रूप में प्रीति बाला जो हैं यहाँ के डायरेक्टर हैं और सुरंजन नायक भी यहाँ पर उपस्थित है और इन लोग का मंच से स्वागत करते हुए विक्रमगंज से आए हैं अयूब खान जो कि मॉडल चिल्ड्रन स्कूल के डायरेक्टर हैं। तो विशेष जानकारी में चल करके इन लोग के पास चलता हूँ और बातें करता हूँ कि किस तरह की शिक्षा यहाँ पे दी जाएगी और इस स्कूल को यहाँ पे खुलने से यहाँ के जो चेयरमैन हैं उनके अंदर क्या खुशी हो रही है। चलिए मैं सीधे जानकारी लेता हूँ। अभी मैं यहाँ के जो चेयरमैन हैं उनसे बातें करता हूँ। नमस्कार मैम, आर भारत टीवी में आपका स्वागत है। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। चेयरमैन पम्मी वर्मा, मुझे यहाँ के प्रोग्राम में बुलाया गया डॉन बॉस्को वर्ल्ड स्कूल खुलने जा रहा है। मुझे बहुत ही इस बात की खुशी है कि इस तरह का स्कूल हमारे नोखा नगर परिषद में नहीं है जो कि हमारे बच्चों को इंग्लिश का बहुत ही अभाव है जो कि यहाँ प्राप्त उन्हें होगी। तो मैं चाहूँगी कि डॉन बॉस्को स्कूल जिस तरह से अपना बढ़ चढ़ के नाम का उजागर कर रहे हैं उसी तरह अपने शिक्षा को भी हमारे बच्चों को दें ताकि हमारे बच्चे आगे जाकर बहुत ही ज़्यादा मतलब शिक्षित हो पाए और अपने स्कूल का अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। मैं चाहूँगी कि शिक्षा बहुत ही अच्छी उन्हें प्राप्त हो। आज से पहले यहाँ पे इस तरह का स्कूल थी या नहीं? नहीं, मैं तो जब से यहाँ देख रही हूँ इंटरनेशनल स्कूल यहाँ नहीं है तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी कि हमारे बच्चे इंग्लिश पढ़े और इंग्लिश पढ़ के खुश आगे बढ़े क्योंकि हमारे नोखा नगर परिषद का नाम रोशन।
और यहाँ पर एक समाज सेवी जो नोखा से है वो भी उपस्थित विजय सर। सबसे पहले धन्यवाद आपका आलोकता टीवी का। मैं विजय सेठ एक सोशल वर्कर हूँ और बता दूँ कि डॉन बॉस्को इंटरनेशनल स्कूल खुलने से हमारे नगर परिषद के जितने भी बच्चे हैं जिन्हें कुछ कमजोर शिक्षा पहले से मिलता आ रहा है उन्हें बेहतर शिक्षा का माहौल यहाँ मिलेगा। और मैं डॉन बॉस्को स्कूल के जितने भी डायरेक्टर हैं प्रिंसिपल हैं और टीचर्स हैं मैं उनसे आग्रह करूँगा कि नोखा का नगर परिषद का नाम आपके आने से हमें बेहतर होगा और आने वाला समय अगर नोखा नगर परिषद आपके स्कूल से कोई भी बच्चा अगर ब्रिलियंट निकलता है तो ये हमारे लिए खुशी की बात। बिल्कुल धन्यवाद। अभी मैं आप लोगों को उस चेहरा से रूबरू कराने जा रहा हूँ जो कि राजपुर में बहुत संघर्ष करने के बाद एक वो पद को हासिल किए हैं जिनका नाम रेशमा कुमारी है जो कि राजपुर के जिला पार्षद हैं और ये बहुत संघर्षशील हैं और बहुत संघर्ष करते हैं, लोगों को मदद करती हैं और कोरोना काल में भी बहुत काफ़ी इन्होंने मदद किया है लोगों को। तो मैं चलिए उनसे सीधे बातें करता हूँ जो कि हमारे बीच में उपस्थित है और आप हमारे साथ वो जुड़ चुके हैं। नमस्कार मैम, आज हमारे टीवी चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले अपना परिचय। नमस्कार, मेरा राजपुर रेशमा कुमारी मेरा नाम हुआ, राजपुर से मैं जिला पार्षद हूँ और मैं अभी नोखा की पावन धरती पे हूँ। माँ को मैं चरण छू के नमन करती हूँ और डॉन बॉस्को स्कूल के प्रांगण में मैं खड़ी हूँ। तो यहाँ आई हूँ तो बच्चों को तो आशीर्वाद दे रही हूँ और मैम को भी कह रही हूँ नेटिव प्लेस अपना छोड़ कर के यहाँ बिहार में आई हैं बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने के लिए। और हमारे जैसा कि हम लोग जानते हैं बिहार में हमारे ग्रामीण जो जनता है माता पिता वो बहुत सारी इंग्लिश नहीं पढ़े हुए हैं जिससे अपने बच्चों को अच्छे जगह एडमिशन बहुत तेज होते हैं हमारे बच्चे फिर भी थोड़ी इंग्लिश के लिए कहीं ना कहीं कट छट जाते हैं, उसको स्मार्टनेस तरीके से बैठना उठने में थोड़ी तकलीफ होती है। तो मैम के थ्रू शायद केरल से यहाँ आई हैं कुछ हमारे बच्चों को इस तरीके से एस्टेब्लिश करें जो कि जाके ये बिहार के बच्चे आगे नाम करें। और मैं तो इनसे बहुत पुरानी 5 साल से जुड़ी हूँ, डोनेशन वगैरह करती रहती हूँ। संझौली में भी इनका है, आज नोखा में हुआ, कल मैं चाहती हूँ विक्रमगंज हो, इवन मेरे राजपुर में भी ये आए। राजपुर में थी पर वो मैडम की ट्रांसफर हो गई कहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने डॉन बॉस्को स्कूल के बारे में बताया जो कि वर्ल्ड स्कूल है और यहाँ के पढ़े हुए बच्चे वर्ल्ड में कहीं भी बात कर सकते हैं क्योंकि इस तरह का स्कूल अभी नोखा के धरती पर नहीं था और आज पहली बार ये स्कूल यहाँ पर। सभी लोग ऊपर चलेंगे, हम लोग थोड़ा स्कूल का भ्रमण करेंगे, उच्च शिक्षा में सभी लोग संतुष्ट होगा कि आप लोग ऊपर चलेंगे, लैंग्वेज जो इंग्लिश होती है उसको हासिल करके हम बातें कर सकते हैं। और ये एक स्कूल ऐसी संस्था होती है जहाँ से अनेकों टीचर उत्पन्न होते हैं। ये एक टीचर जो अपने घर द्वार छोड़ करके आके दूसरे की सेवा करते हैं, बच्चों की सेवा करते हैं, बच्चों को अपने जैसा बनाते हैं, पढ़ाते हैं और ये अपने जैसा एक शिक्षक को निर्माण यहाँ पर करते हैं, शिक्षक बनाते हैं। इन्हीं के पढ़ाए हुए बच्चे एक पत्रकार भी बनता है, इन्हीं के पढ़ाए हुए बच्चे एक इंजीनियर भी बनता है, इन्हीं के पढ़ाए हुए बच्चे एक डॉक्टर भी बनता है जो कि पूरे विश्व के स्वास्थ्य को रक्षक कहा जाता है, उसको रक्षा करता है। तो विशेष मैं डॉन बॉस्को स्कूल के अंदर चलता हूँ और यहाँ के विधि व्यवस्थाएं के बारे में आपको दिखला रहा हूँ और बतला रहा हूँ कैसा यहाँ के विधि व्यवस्था है। तो मैं जो डायरेक्टर इस स्कूल के हैं उनसे मैं सीधे बात करता हूँ। नमस्कार, मैं आप हमारे टीवी चैनल में आपका स्वागत है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, और स्कूल खोलने का ये मतलब है क्योंकि हम बच्चे लोग को बाहर से आए हुए हैं और ये लोग डेवलप करना चाहते हैं, इसका डे बाई डे इसका बिहेवियर से और क्रिएटिविटी से रिप्रोडक्टिव से और मॉरलिटी से हम लोग ये लोग डेवलप करना चाहते हैं और इसलिए हम लोग अपने को यहाँ पर डेडिकेशन किया हुआ है। आपके विद्यालय में अगर कोई विकलांग स्टूडेंट आ रहा है या अत्यंत गरीब आ रहा है उसके लिए क्या फैसिलिटी है? उसके लिए हम लोग 50% ये और पढ़ाने के लिए और जो भी उसके कमियाँ है और वो डिफरेंट ये अलग अलग तरीका से उसको मदद करना चाहते हैं। थैंक यू, जोरदार क्लैपिंग करते रहिए आप लोग। राजू पांडे जी जो मीडिया दर्शन के हैं आई
सोशल मीडिया का दिए हैं, सी न्यूज दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे अनुरोध करेंगे कि वो इनको बुके दे करके सम्मानित करें। शशिकांत जी जो सी न्यूज के हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार हैं, डायरेक्टर साहब उनको सम्मानित कर रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ साथी, चलिए मंटू जी को तो मैं कल ही से देख रहा हूँ, दैनिक लाइव न्यूज 24 उनको सम्मानित कर रहे हैं हमारे डायरेक्टर महोदय। अक्षय बच्चन जेपी जी जो आर भारत टीवी के हमारे डिस्ट्रिक्ट हेड हैं, उनको सम्मानित करते हुए स्कूल के डायरेक्टर महोदय। अब हमारे बीच हैं राजेश जी, राजेश कुमार सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। अब मीडिया हमारे अमित कुमार जी को सम्मानित करते हुए अंगवस्त्र से और कलम डायरी पेन देते हुए, बहुत अच्छे अकाउंटेंट थे मुकेश कुमार सिंह जी, और सम्मानित होते हुए दैनिक जागरण के वरीय पत्रकार दिनेश तिवारी जी, हम वर्ष से सम्मानित कर रहे हैं। उनके उद्घाटन में मतलब शिक्षा से कितना वो लगाव रखते हैं आज ये देखा जा सकता है। अपने ऑटो से चल करके आए हैं और ये नसीम मोहम्मद जी हैं, बहुत अच्छा लगा कि आप को चल करके विजय सेठ जी सम्मानित करते हुए पहुंच रहे हैं। बहुत प्यारा क्षण है कि आज एक दिव्यांग को बेचारे को सम्मानित किया जा रहा है समाज सेवी द्वारा, और मैडम जी भी आ रही है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। मैं थोड़ा इधर देखा जाए, बच्चे को पकड़ लिया, पकड़ लिया। आज देखिए कितना सुनहरा पल हमारे नसीम अहमद को, और देखिए अब हमारे सभापति महोदय भी अपना कितना अच्छा पल है, और ये नसीम अहमद जी भी कितना खुश है कि आज हम जिला परिषद नगर सभापति ऐसे सम्मानित करना चाहता हूँ। कहते हैं कि मेहनत के बल पर एहसास बदल जाता है, मेहनत के बल पर एहसास बदल जाता है, जज्बा हो कुछ कर दिखाने का तो खास बदल जाता है। अच्छे विद्यार्थियों को अगर अच्छा टीचर मिल जाए तो देश का इतिहास बदल जाता है, देश का इतिहास बदल जाता है। लाइट लॉर्ड है, समाज सेवी है, जाना माना चेहरा है, चर्चित चेहरा है संजीव पाठक जी को अंग वस्त्र से सम्मानित करते हुए समाज सेवी विजय सेठ जी, सुनवे जी लगेंगे। तो संजीव राय जी समाज सेवी उनको सम्मानित करते हुए विजय सेठ जी अपने गुरु जी को सम्मानित करते हुए डायरेक्टर साहब डायरी कलम से भी सम्मानित करते हुए अभिषेक कुमार जी को जो दैनिक भास्कर के पत्रकार हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डॉन बॉस्को वर्ल्ड स्कूल में। अभी काफी देर से आयुब सर, काफी देर से सभी लोगों को एक एक कर मंचासीन अतिथियों को सम्मानित करवा रहे थे, और हमारे बीच जितने भी मीडिया प्रभारी या जो भी न्यूज रिपोर्टर हैं सबको सम्मानित कराया गया। लेकिन हम सब ने ये भूल रहे थे कि आयुब सर जो हम सबके बीच में सबसे प्रथम सम्मानित होने चाहिए थे, लेकिन हम लोग सबसे अंतिम में उनको कर रहे हैं, इसके लिए माफी चाहेंगे सर। अभी हमारे सभापति महोदय जी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मी को भी मैं बहुत थैंक्स बोलती हूँ कि ये नहीं है तो मैं नहीं हूँ। और सबसे पहले डॉन बॉस्को स्कूल के प्रांगण में मैं खड़ी हूँ और सरस्वती माता मां को शारदा कही जाती है, ये नहीं है तो हम लोग नहीं है, क्योंकि विवेक हमें इनसे मिलती है। मैं तो चाहूँगी हमसे भी अच्छे अच्छे बच्चे यहाँ से पढ़ के निकले, और इन मैम को टीचर्स को
सभी को मैं नई नई थैंक्स बोलूंगी कि अपने नेटिव प्लेस छोड़कर वे बिहार में आए हैं और हमारे कुछ बच्चों को अच्छा सिखाने के लिए आए हुए हैं, अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए, क्योंकि हमारे ग्रामीण जनता के बच्चे हमेशा इंग्लिश बोलने में कताई करते हैं, डरते हैं। तो मैं तो हमेशा अनुरोध करूंगी कि हमारे जो भी बच्चे इस प्रांगण में पढ़ने आ रहे हैं उनको आगे की ओर ले जाएं, अच्छी शिक्षा दें, खेल कूद में भी प्रोत्साहित करें, क्योंकि मैं खेल कूद में भी चाहती हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे मोबाइल्स वगैरह में बहुत ज़्यादा बिजी हुए हैं। तो इनसे बाहर आए और बच्चे हमारे अच्छा पढ़े लिखे, अच्छे ढंग से चले। पम्मी दीदी को भी मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ, मुझे भाई साहब नाम मैं भूल रही हूँ, इनको भी थैंक्स बोलूँगी यहाँ आने के लिए और सम्मान बढ़ाए यहाँ इस स्कूल का आकर। और जो भी हमारे बच्चे हैं और जो भी यहाँ पे हमारे ग्रामीण जनता सुन रहे हैं, आइए अपने बच्चों को पढ़ाइए और इस विद्यालय का विकास करवाइए। मैडम कुछ अपनी अरमान लेके अपने देश को अपने शहर को छोड़ के आए हुए हैं, तो आप लोग इस स्कूल में आइए और पढ़ाइए। हम लोग को जब भी बुलाया जाएगा इस चीज़ के लिए, बच्चों के बीच रहना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, इवन बच्चियों के बीच, क्योंकि मैं भी कभी एक छोटी बच्ची थी, आज मैं बड़ी हुई हूँ, तो बच्ची को मैंने सम्मानित करने की कोशिश की पर ये कराई नहीं। तो मैं बच्चा बच्ची से बहुत प्यार करती हूँ, जब भी स्कूल का प्रोग्राम होता है मैं बहुत पसंदीदा और सारे जगह का प्रोग्राम कैसे करके आना चाहती हूँ। और समय ज़्यादा काफ़ी हो रहा है, अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी को नमन करती हूँ, थैंक यू। धन्यवाद। मैं ओपनिंग सेरेमनी में हम लोग उपस्थित हुए हैं, यहाँ उपस्थित हमारे नगर परिषद नोखा की सभापति एवं इस उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्रीमती पम्मी वर्मा जी, यहाँ उपस्थित हमारे राजपुर के तेज तरह जिला पार्षद युवा नेत्री रेशमा जी, यहाँ उपस्थित हमारे इस स्कूल के माननीय प्रिंसिपल डायरेक्टर एंड ऑल टीचर्स, आप सभी लोगों का एवं यहाँ उपस्थित हमारे सम्मानित नोखा नगर परिषद एवं प्रखंड के तेज तरार माननीय पत्रकार महोदय आप एवं यहाँ उपस्थित हमारे इस नगर परिषद एवं प्रखंड से आए हुए सभी सम्मानित ग्रामीण जनता एवं नगर परिषद की जनता को मैं हार्दिक धन्यवाद एवं बधाई देता हूँ, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर इस स्कूल के ओपनिंग सेरेमनी में आप लोगों ने भाग लिया। इस स्कूल के डायरेक्टर और इस स्कूल के जितने भी टीचर्स हैं, प्रिंसिपल ने उनका मनोबल बढ़ाया। भाइयों, नगर परिषद क्षेत्र में अगर एक अंतर्राष्ट्रीय स्कूल का उद्घाटन होता है तो सबसे ज्यादा अगर खुशी होगा तो इस नगर के नगर सभापति एवं तमाम ग्रामीण जनता को होगा, क्योंकि अगर नोखा में किसी चीज का कमी है तो वो है एजुकेशन। यहाँ एजुकेशन के क्षेत्र में कोई भी इंटरनेशनल लेवल का स्कूल नहीं है, ये हम स्वीकार करते हैं, हम जानते हैं, यहाँ की हमारे पत्रकार बंधु भी जानते हैं कि अभी तक नोखा में कोई भी इंटरनेशनल स्कूल नहीं है। और आज के टाइम में अगर डॉन बॉस्को जैसा स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल नोखा में स्थापित होता है और वो भी पाठ्य कॉम्प्लेक्स जैसे हाईलाइट जगहों पर, तो हमें नहीं लगता कि यहाँ प्रचार करने का जरूरत होगा। आने वाला समय आप स्कूल का होगा और स्कूल प्रबंधन से हम आशा और विश्वास रखते हैं कि आप ये जो क्षेत्र है गरीब अति पिछड़ा पिछड़ा का क्षेत्र है और यहाँ पर जो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके पास संसाधन का अभाव है, और संसाधन का अभाव जब होता है तो प्रतिभा कहीं ना कहीं मरने लगती है। और स्कूल की प्राचार्य सिद्धि बाला जी, डायरेक्टर फादर इंद्रनिया, और आपका स्कूल के उद्घाटन करते हुए जोरदार क्लैपिंग करिए, जोरदार करिए। अभी तक मॉस्को वर्ल्ड स्कूल के उद्घाटन वर्ल्ड स्कूल के बारे में हम लोग देखेंगे, क्योंकि अभी आज यहाँ पर उद्घाटन हुआ। यहाँ पर उद्घाटन के लिए बहुत सारे माननीय और बहुत सारे जो है कि नेतागण मौजूद थे। सो आइए हम
स्कूल के अंदर जाएंगे और उस स्कूल के अंदर में जा करके देखते हैं क्या क्या व्यवस्थाएं और क्या क्या सारी चीजें जो है कि उपस्थित की गई हैं। आइए हम लोग अंदर की तरफ देखते हैं। और तो हम लोग नोखा में शायद हम लोग ऐसा कोई चीज़ों को बहुत कम पाएंगे और स्कूलों में जाएँ तो रिसेप्शनिस्ट की पेरेंट्स को बैठने के लिए अच्छी व्यवस्थाओं को और सारी उपस्थितियों को बहुत कम दी गई। लेकिन यहाँ पर हम डॉन बॉस्को स्कूल में हम लोग देख रहे हैं रिसेप्शन के तौर पर, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो होती है कि लोग जो होते आते हैं तो पूछने में समय गुजार देते हैं कि कहाँ पर फीस के कलेक्शन की व्यवस्था है, कहाँ पर क्या है। लेकिन इस स्कूल में हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है कि रिसेप्शन, वहाँ पर वो लोग अपना सारा डाउट्स क्लियर कर सकते हैं जो कि कहाँ पर फीस जमा होगा, कहाँ पर प्रिंसिपल रूम है, कहाँ पर हमारे बच्चे हैं, ये सारी चीज़ों का जो है कि ब्यूरो सारा जानकारी जो है हमें रिसेप्शन पे मिल जाएगी। और बाकी सारी चीज़ों का हम देखें तो हमारे स्कूल का जो बहुत ही इस स्कूल का जो अच्छा बोर्ड है हम यहाँ पर देखते हैं प्रिंसिपल केबिन के तहत में कि सारी चीज़ें जो है कि ऑनलाइन माध्यम से हम लोग की जा रही है। देखिए सारा पूरा डिजिटल इंडिया जैसे है कि है और हम लोग देख रहे हैं कि देख रहा है इंडिया और बोल रहा है मीडिया के तौर पे। तो यहाँ पर पूरा जो है कि ऑनलाइन व्यवस्थाएं हैं, सारा काम सारे टीचर की टीचिंग व्यवस्था सारी चीज़ ये है इस ऑनलाइन के माध्यम से पता चलेगा। और आपके बच्चे जो हैं कि जहाँ कहीं भी हैं वो भी सारे टीचर को पता चलेगा, टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं उस सारे चीज़ों के बारे में प्रिंसिपल यहाँ बैठ करके देख सकते हैं। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर हमारे जो है कि डायरेक्टर साहब और प्रिंसिपल महोदय यहाँ पर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर यही नहीं बल्कि यहाँ पर हर एक क्लासों में भी सीसीटीवी कैमरे आपको मिलेंगे। और यही नहीं सीसीटीवी कैमरे वहीं पे नहीं बल्कि और जो है कि जैसे कि आप लोगों ने अनाउंसमेंट में भी सुना है कि गाड़ियों में भी उपलब्ध ट्रैकिंग सिस्टम और बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। यही नहीं बहुत सारी स्मार्ट क्लासेस हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, ऑनलाइन ट्यूशन की व्यवस्था है, बहुत सारे उपस्थित की गई जो हम लोग यहाँ पर पाते हैं जो। और यहाँ पर देख सकते हैं कि बुक्स भी है, बुक्स जो है कि आपके बुक इस स्कूल में जो है कि उपलब्ध है और ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं। थैंक यू। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिजिटल बोर्ड फिक्स हो चुका है और बहुत सारी व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर है इस प्रकार की आप पा सकते हैं, देख सकते हैं डॉन बॉस्को वर्ल्ड स्कूल में। और इसी तरह से हर एक क्लासरूम में उपस्थित मिलेगी और जो है कि यही नहीं यहीं तक सीमित नहीं बल्कि आरओ का भी बहुत अच्छे से उपस्थित किया गया, क्योंकि बहुत सारे जगह पे जो है कि हाइजीनिक चीज़ें पानी की वजह से अच्छे से नहीं मिल पाता है, बहुत सारे प्रचुर मात्रा में पानी नहीं मिल पाती है। लेकिन यहाँ पर जो है कि बच्चों को पीने के लिए आरओ लगाया गया जो कि स्वच्छ वाटर वो लोग प्राप्त कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। फिर इधर में जो है कि बॉयस के लिए टॉयलेट की व्यवस्था, गर्ल्स के लिए टॉयलेट की व्यवस्था भी है। ये सारी व्यवस्थाएं हम लोग डॉन बॉस्को वर्ल्ड स्कूल में पा रहे हैं और ये सारी चीजों को हम लोग देख रहे हैं और ये सारी चीजों को हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि डॉन बॉस्को वर्ल्ड स्कूल किस प्रकार से जो है कि हमारे इस नोखा में जो है कि एक नया रूप लेकर के आ रहा है और ये जो है कि एक अलग तरीके से पैगाम लेकर के आ रहा है जो कि और हम चाहेंगे कि जितने भी यहाँ की जनता, जितने भी यहाँ के लोग, जितने भी लोग जो हैं कि अपने बच्चे का फ्यूचर बनाने के लिए, भविष्य को संवारने के लिए अगर हैं तो ये स्कूल में एडमिशन कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन करा करके अपने बच्चे के भविष्य को बनाएं। जो जल है ये संकेत दे रहा है कि जल ही जीवन है और यहाँ पर आरओ की भी व्यवस्था है जो कि बच्चे बीमार न पड़े और इसलिए यहाँ आरओ की व्यवस्था किया गया है। और पानी ये जो है बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि शरीर के मुख्य हिस्सा पानी में होता है।
दैनिक भास्कर अरविंद भाई जी है ना, नंबर बोलिए।